फुरकान नाम के व्यक्ति को रेलवे पुलिस ने इस तरह मारा कि उसका आतली जो है सब बाहर आ गया। अधिकारियों की भी पता है, अगर नाम फुरकान है तो इसको पीट डालो, इसको मार डालो, बहुत ज्यादा ज्यादा सस्पेंशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर चार लोग मार डाल रहे हैं एक लड़के को तो मॉब लिंचिंग में आ जाएगा, तो ऐसे लोगों को तो कम से कम फांसी की सजा जरूर से जरूर होना चाहिए। तो ऐसे पुलिस वालों के ऊपर इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई केस चलाने नहीं चाहिए, तुरंत इनको ले जाए करके बस इनको। आप बीजेपी में है, बीजेपी में से क्या हुआ, 1500 रुपया के लिए आप किसी का हत्या कर दे, किसी को बेरहमी से मार दे, किसी का घर उजाड़ दे, पैसा नहीं दिया तो उसको जो है मार मार के जो है आतड़ी तक बाहर कर दिया। ऐसे जलादों को तो वही काउंटर कर देना चाहिए था। मोदी जी इतने बड़े बलशाली, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री अपने आप को बताते हैं, इतने अधिकारी उनके कंट्रोल में है। हाँ। तो छोड़ देना चाहिए, फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। आज बिहार में एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। फुरकान नाम के व्यक्ति को रेलवे पुलिस ने इस तरह मारा कि उसका आतली जो है सब बाहर आ गया। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, जो भी पुलिस वाले की इनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए, निंदनीय है, बहुत ही सोचनीय है। और वहाँ की सरकार को तत्काल जो है उस पुलिस कर्मचारी के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको बल्कि बर्खास्त करना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए। अगर आत निकल आई है तो एक तरह से जानलेवा हमला किया है। अरे बाकायदा वीडियो वायरल हो रही, किस तरीके से पुलिस वाला उसे पीट रहा था। अगर ये है तो तत्काल उसे जो है बर्खास्त करना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए, और जो भी जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अगर पीट पीट के इतना पीटे हैं कि उसकी अंतड़ी पचौनी सब बाहर आ गई है, तो इसका मतलब कम से कम 4-6 पुलिस वालों ने मिलके पीटा होगा। और ये पहला नहीं है, इससे पहले भी एक पुलिस वाला दो तीन लोगों को गोली मार देता है रेल के अंदर, ट्रेन में, है ना, आप लोग जानते हैं। तो ऐसे में चूंकि गवर्नमेंट की, ये जो मोदी जी की सरकार चल रही है, ये उन लोगों को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है, अगर नाम फुरकान है तो इसको पीट डालो, इसको मार डालो, बहुत ज्यादा ज्यादा सस्पेंशन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे जहां तक लगता है, रेलवे के जो भी उच्च अधिकारी हैं, ये सारे के सारे, पूरा का पूरा जो थाना है उसका, रेलवे का पूरा जो थाना है, उन सारे लोगों को सस्पेंड करने के साथ साथ 302 का मुकदमा दर्ज होकर और उन्हें जेल भेजना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो ऐसे लोगों को, चूंकि मॉब लिंचिंग भी है, अगर चार पुलिस वाले का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं, आप। क्यों नहीं कर सकते, अगर चार लोग मार डाल रहे हैं एक लड़के को तो मॉब लिंचिंग में आ जाएगा, तो ऐसे लोगों को तो कम से कम फांसी की सजा जरूर से जरूर होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में और सारे लोगों के लिए नसीहत बन जाए। जिस तरीके से बिहार में फुरकान नाम का व्यक्ति जो है वो अपने दोस्त को जो है मुंबई के ट्रेन पर बैठाने के लिए जाता है, तो पुलिस वाले उससे रिश्वत मांगते हैं कि हम आपके दोस्त को सीट दिला देंगे 1500 रुपये दे, तो वो इनकार करता है, तो पुलिस वाले उसको इतना मारते हैं कि उसकी अतड़ी तक बाहर आ जाती। कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, तो ऐसे पुलिस वालों के ऊपर इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, इनके ऊपर कोई केस चलाने नहीं चाहिए, तुरंत इनको ले जाए करके बस इनको। आप बीजेपी में है, बीजेपी में से क्या हुआ, अगर वहाँ पे अगर सब ये प्रशासन जो भ्रष्ट होगा, अगर अधिकारी भ्रष्ट होंगे, अगर ये कोई एक ही दिन से नहीं, वही नहीं है, हर आप रेलवे स्टेशन चले जाइए जीआरपी वाले कर रहे हैं, हर आप रेलवे स्टेशन जो बड़ी दूरी दूरी की ट्रेनें हैं उसमें जा करके भ्रष्टाचार मचा हुआ है, तो उसको क्या करोगे, वो पहले की सरकारों की देन है, सरकार है उस पर लगाम लगा रही, जो ये कर्म पहले की सरकार की देन है, कहने आज से थोड़ी चल रहा, आप पुष्पक वगैरह में आज थोड़ी, हम लोग तो जब भी मान रहे हैं कि होता है। बहुत बहुत इनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम भाजपा से होके एक बार में होता बता रहे, पुष्पक वगैरह में जाइए, देखे थर्ड क्लास में जो बेचारे जो जाते हैं, जो लेबर टाइप के, उनको लाइन लगा के बैठा दिया, उनसे पुलिस वाले पैसा वसूलते, उसका कोई विरोध नहीं करता, ये क्या, ये अधिकारियों का कर्मठता है, जो अधिकारी निरंकुश है पहले से ही। हाँ। पहले से ये आज से नहीं, साल से सरकार किसकी है, अरे 10 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, अब कुछ उसमें लगाम लगाया गया है, लगाम लगाया जाए, लेकिन से होता था, हो रहा था। देखिए, अधिकारी को सुधारने के लिए किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को केवल 24 घंटे का टाइम लगता है। सारे के सारे ऊपर से लेके और नीचे तक सब राइट टाइम हो जाएंगे। अगर राइट टाइम नहीं होते हैं, सस्पेंड करो, जेल भेजो, सस्पेंड नहीं, सिर्फ सस्पेंड करो, जेल भेजो। क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा जुर्म नहीं था कि 1500 रुपया के लिए आप किसी का हत्या कर दे, किसी को बेरहमी से मार दे, किसी का घर उजाड़ दे। पैसा नहीं दिया तो उसको जो है मार मार के जो है आतड़ी तक बाहर कर दिया। और ऐसे जलादों को
सजा तो सरकार को स्वयं देना चाहिए, न्यायालय तो बाद में देती रहेगी। ऐसे जलादों को तो वही काउंटर कर देना चाहिए था, इनका कोई कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी, इनकी हत्या होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य की जब दूसरे के जब ऊपर आते, भाई साहब बता रहे हैं कि 10 साल से, मतलब 10 साल पहले से जो है ये सब चला आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये घूस लेने वाला सिस्टम। घूस साहब, अब देखिए सवाल आप ऐसा ऐसा ला देंगे क्या हमको बड़ा, ये देखते हैं जितनी गाड़ियां, ये गाड़ियां जितनी देख रहे हैं ना, ये भ्रष्टाचार के कर्म में पैदा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो इनके पास साइकिल नहीं होती। 40-40 करोड़ लाख का एक एक गाड़ियां चल रही है, ये पाप है देश का। यही विषमता है कि एक का बच्चा दूध नहीं पीता और दूसरे का कुत्ता मुर्गा का टांग नहीं खाता। ये जो है विषमता है समाज के अंदर कि हमारा बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाता है। तो मान तो ये भी रहे, मान तो आप भी रहे ना कि गलती है, लापरवाही है, जेल जाना चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पुरानी सरकार का कर्म है। मैं ये कह तो रहा हूँ आज का ये भ्रष्टाचार, ये मतलब जो अधिकारी ने मारा है फुरकान को, ये कांग्रेस सरकार में और दूसरे सरकार में पनपे। एक अधिकारी, एक घटना को आप क्यों देख रहे हैं? इस देश में हजारों घटनाएं रोज हो रही है, हर प्रदेश में हो रहा है, इसको कंट्रोल नहीं करते, कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे, हो गया। अरे 10 साल का अभी जो 50 साल का गुण 1 साल में नहीं हटेगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे उस पर लगा कंट्रोल होगा। ये मैं इस बार सुनिए, उसके साथ में हमको आपको कोई भी सरकार इस पे नहीं लगाम लगा सकती, हमको आपको जागरूक होना पड़ेगा और हम ही आप इसको लगाम लगा पाएंगे। ऐसे नहीं जो भाई आप जा करके उनका साथ दे। आप इस जो पूरा मामला सामने आया इसके पक्ष में है या विरोध में है? नहीं, इसके हम विरोध में, अगर विरोध में है, किसी की हत्या हुई है और क्या नहीं हुई है, पीटा है वो अभी थाने में हो जाती है, लाकम में हो जाती है, अगर इस तरह की घटनाएं हो रही है तो उन अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री 24 घंटे में तो पैंट में पेशाब कर देते अधिकारी, क्या बात कर रहे हैं। मोदी जी इतने बड़े बलिशाली, इतने ताकतवर प्रधानमंत्री अपने आप को बताते हैं, इतने अधिकारी उनके कंट्रोल में है, तो छोड़ देना चाहिए, फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो देखिए फुरकान वाले मामले पर हम आम जनता से बात कर रहे थे, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते रहे 24 तक।